हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सम बेसिक पॉइंट बताऊंगा, सम बेसिक टूल्स बताऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स के, कि हाउ कैन यू यूज देम इन आफ्टर इफेक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली मेक न्यू कंपोजिशन। ओके, सी हियर, कंपोजिशन यहाँ पे आ गई है। अब हम इसमें कुछ स्टफ लाएंगे, कुछ फीड्स इंपोर्ट करेंगे, कोई फोटो वगैरह। सपोज हमने ये जेपेग फाइल इंपोर्ट करी है। यहाँ पे आप ऊपर कुछ टूल्स देख रहे हैं। इन टूल्स का फंक्शन क्या क्या है, देखिए। जब आप इस फर्स्ट वाले पे जाते हैं तो इस पे लिखा आता है सिलेक्शन टूल, और ब्रैकेट में वी लिखा हुआ है, तो इसका शॉर्टकट कमांड है वी। सपोज आपने कोई फोटो या कोई भी वीडियो वगैरह आपने अपने कॉम्प साइज में डाली है, तो वो आप जो है उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट कमांड सम यूज करते हैं वी। आप इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं कॉम्प को, या यहाँ पे जाके फिट प्रेस कीजिए, ये आपकी कॉम्प साइज के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी। जितनी स्क्रीन होगी उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी। ये देखिए, या फिट अप टू 100% कर देते हैं तो 100% हो जाएगी, या फिट कीजिए तो पूरा फिट हो जाएगा। ये हैंड टूल्स है। हैंड टूल का फंक्शन क्या है कि आप हैंड से करके उसको कॉम्प को कहीं भी मूव कर सकते हैं, या फिर अगर ये आपकी टाइमलाइन बड़ी है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। हैंड टूल से आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है जूम। जूम का फंक्शन, आप क्लिक करते हैं तो ये जूम हो जाती है, ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो माइनस, या फिर आप सिंपल माउस का थर्ड बटन जो है उसको स्वाइप करते हैं तो ये ऊपर और नीचे जूम हो जाएगा, और यहाँ जाके फिट कर सकते हैं तो सेंटर में। ये रोटेशन टूल है, ये क्लिप्स को रोटेट करने के लिए यूज में आता है सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग। ये कैमरा टूल्स है। कैमरा टूल जो है, हम थोड़ा सा एडवांस में जब जाएंगे तब मैं आपको बताता हूँ कि कैमरा किस तरीके से यूज होगा। और ये आपका एंकर पॉइंट है पैन बिहाइंड टूल। पैन बिहाइंड टूल बेसिकली क्या होता है कि ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, एंकर पॉइंट होता है, और इस एंकर पॉइंट को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो आपकी क्लिप्स है वो इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। आप इसमें स्केलिंग करते हैं या रोटेशन करते हैं तो वो इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव करेगी। आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। देखिए, ओके, ये आपका रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल बेसिकली क्या होता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को चाहते हैं मास्क करना, या जितना आप एरिया चाहते हैं तो उतना ही आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कमांड्स भी हैं इसकी, जो मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। आप यहीं पे ही एक एरो देख रहे हैं, डाउन एरो, इसमें एक छोटा सा, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ विंडोज ओपन होती हैं, जिसमें रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल और स्टार टूल। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। पिछले टूल में जो हमने मार्क्यू सेलेक्ट किया था, रेक्टेंगल टूल से जो सेलेक्ट किया था, उसमें एजेस जो थी शार्प नहीं थे, शार्प नहीं थे, लेकिन जब आप इसको राउंडेड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एजेस सॉफ्ट हो जाती है। बेसिकली ये टूल जो है मास्किंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम एलिप्स टूल यूज़ करते हैं तो वो आप एलिप्स को यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे इसे डबल क्लिक करके, और इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसको हटाना हो
तो सेलेक्ट कीजिए और आपका डिलीट का बटन होता है उसे प्रेस कीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आता है पॉलीगन, ये पॉलीगन स्टाइल में आपका मास्किंग करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की चीज़ें चाहिए या क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे ये स्टार, सपोज़ आप चाहते हैं कि ये बच्चा जो है इसके अंदर स्टार में आए, तो आपने स्टार में क्लिक किया तो ये स्टार का मास्क कर दिया। आप इसको मास्क को कहीं भी मूव कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके मास्किंग के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक टूल है पेन टूल। पेन टूल में हम जो है मास्किंग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो आप मार्किंग के थ्रू का काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज मास्क करना चाहते हैं सिर्फ इस बच्चे को और बाकी की चीज़ें जो है आप हटाना चाहते हैं, तो सिंपल क्लिक कीजिए मास्किंग पे, यहाँ क्लिक कीजिए। जब आप प्रेस रखते हैं तो आप इसको बेजियर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे कान के लिए हुआ, ये देखिए अभी मैं आपको सिंपल क्लिक करके बता रहा हूँ कि मास्क टूल का, पेन टूल का यूज़ क्या होता है। इसके बाद जब हम इस पर थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तब रिफाइंड वर्क के साथ वर्क करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ टूल्स को समझ रहे हैं कि टूल्स होता क्या है, किस तरीके से फंक्शनिंग होती है। कुछ इसके फंक्शंस भी होते हैं वो हम बाद में करेंगे। देखिए ये अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है इधर रह रहा है, तो इसके लिए हमारे पास अंदर कुछ टूल्स होते हैं जिनसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, और ये आपका पॉइंट कर पॉइंट्स को आप सेलेक्ट। हम इस मास्क को रिमूव कर देते हैं बैक स्पेस से। ये टाइटल टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। इसमें और इसका शॉर्टकट कमांड है कमांड टी प्रेस कीजिए और ड्रैग कीजिए, और इस पर आप लिख सकते हैं कुछ भी। सपोज मैंने लिखा क्यूटी वाई, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। मूव टू सेलेक्शन टूल से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन यूज़ होता है, और ये आपके ब्रश टूल है जिससे कि आप कंपोस्टिंग पे ब्रश उस पे लेयर्स पे कलर फिल करने के लिए यूज़ होता है, जैसे फोटोशॉप में यूज़ होता है। उसी तरीके से ये क्लोन टूल है, और ये इरेज टूल है। इरेज टूल आपके जो आप कलर्स करते हैं उसको इरेज करने के वर्क काम में आएगा, लेकिन हम इस पे जो है एडवांस में बात करेंगे। ये आपका रोटोस्कोपिंग टूल है। रोटोस्कोपिंग टूल में आप एनिमेशन को एडजस्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एडवांस में सीखेंगे। और ये पपेट पिन टूल है, जो कि आपके पपेट्स के एनिमेशंस में यूज़ आता है, लेकिन ये हम जो भी वर्क करेंगे लेटर यूज़ करेंगे, बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने ये बेसिक टूल्स सीखे हैं, और इसके आगे हम एडवांस में सीखेंगे। थैंक यू।